जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आप सबको। हम डब्ल्यू बी बाई हमानी माह रमज़ान शान एल में मुस्कुराहटें सबके साथ, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के प्रोग्राम में डब्ल्यू बी बाई हमानी ने इस ईद के मौके पर 3 लग्जरी गिफ्ट सेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल्स। ईच पैकेज इंक्लूड्स 3 मिनिएचर बॉटल्स ऑफ आर ऑल टाइम फेवरेट डब्ल्यू बी बाई हमानी परफ्यूम्स। तो जनाब एंड डब्ल्यू बी हमानी इज़ अ वाइड रेंज ऑफ हर्बल एंड नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आज के मुकाबले के विनर के लिए है इम्तियाज़ की बाइक। इम्तियाज़ है पाकिस्तान का नंबर 1 स्टोर, और देखते हैं कि इसका हकदार कौन करार पाता है। ज़रा पहले बज़र बजा के तसल्ली कर लें कि आप लोगों के बज़र्स ठीक चल रहे हैं। पहला राउंड बज़र राउंड है, सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पे -10 है। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज तमसील। आप माइक बोलिएगा प्लीज़ ज़रा। माय नेम इज तमसील। तमसील। आप स्पेल कर दीजिए। स्पेलिंग बता दें। इस पे +10 तो नहीं है सवाल पे? हाँ तो ठीक है। तमसील का मायने मूर्ति के। तमसील यानी मूर्ति। तमसील ना। हाँ तो वही तो मैं, हाँ वही तो कह रहा हूँ, हम भी तो वही कह रहे हैं। जी भाई। जाहिर। हैं? जाहिर अकबर। जी जाहिद। तो कैसे जा रहे हैं रमजान और रोजे वगैरह? अच्छा जा रहा है, मजा आ रहा है। इसको हम जबरदस्ती रोक रहे हैं कि भाई तुम कमजोर हो रहे हो, जो कद निकाल रहे हो, तो जरा थोड़ा सा जरा ब्रेक ले लो एक आध। लेकिन माशाल्लाह ये अरे आप रुकने वाले नहीं है, रोजे मुस्तकिल। क्या बात है भाई, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बात है, बेहतरीन। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या टीम सी बताए जल्दी से, अभी बताए जरा। टीम सी। टीम सी। ओहो, टीम सी ने कहा ना करे तो सर पकड़ लिया उन्होंने, कहा यार क्या कर दिया। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, जो है वो तो है। जो, अब तो ऐसे नसीब में लिख दिया गया उसका, तो कुछ नहीं। तो क्या आप लोगों की टीम कौन सी रखे भाई? तो वो मैंने डॉक्टर साहब से मशावरत। टीम सी का। टीम सी है बस। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चले जी, तो बजर आप लोगों ने बजा लिया है, जरा तसल्ली कर ली है। बजर बजा के एक बार फिर जरा तसल्ली कर लें। हाँ, आपका बजर चल रहा है, लाइट जल रही है, इसलिए मसला नहीं हमें नजर आ जाएगा अगर आपने पहले बजर बजाया। तो सबसे पहले जरा स्क्रीन की तरफ देखें, जंबल वर्ड्स आएंगे, जरा 2-3 आप बताएं कि ये कौन सा मुल्क या शहर है। यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ जी दिखाएं, अगर पहले हम जंबल वर्ड दिखा सकें। ये क्या है? सी। जी फिलिपाइन। फिलिपाइन है क्या ये, दिखाइएगा जनाब। बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑलराइट, ओके। अगला बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 हर्फ है। जी ए जी। कतर। कतर, बिल्कुल सही जवाब। ओके, और आखिरी भी इतना शायद थोड़ा सा मुश्किल दिखाएं, आखिरी क्या है? हाँ जी ए 5-4 किससे हो रहा है? खाली हेल्प। सॉरी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से वर्ड से स्टार्ट? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अलिफ से शुरू हो रहा है, लिखा है अलिफ से। हे पे खत्म हो रहा है, और वो हे पे खत्म हो रहा है। बाकी तो इसलिए नहीं कर सकता कि बजर बजा दिया ना आपने, तो वो बाकियों के साथ ज्यादती हो जाएगी। 5-4 मनावी। मलावी। मलावी में तो लाम होता है, सलाम नहीं। 3 यूरोपियन। जॉर्जिया नहीं, पाकिस्तान नहीं। पहला क्या? मनोड़ा नहीं भाई, यार दिखा दो भाई, ये रोमानिया है। रोमानिया गलत हो गया, ताजियत कीजिए। हालांकि बनता नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हिंट, यूरोपियन हिंट दिया। क्या? यूरोपियन का हिंट दिया हमने, हालांकि बनता, हाँ हालांकि बनता नहीं था, लेकिन चले हो गया। चले भाई, ये बताइए के बल्कि क्रमे पहले था, आप सवाल कर ले जरा पहले। यार मैं तो आज एक नात का एक शेर पढ़ना चाह रहा था। अच्छा सवाल ठीक है, ये इजाजत है, एंज कर लो। हाँ बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हूं तेरे औसाफ़े हमीदा। शायर का नाम
अगर बता सके तो, बहुत ही मशहूर कलाम है, वरना फिर ऑप्शंस दे दें आप। मुजफ्फर वारसी साहब या हफीज ताहिर? जनाब हफीज ताहिर। दुरुस्त जवाब है, क्या बात। ऑलराइट, जबरदस्त भाई। इन्होंने कहा ए गुले चीदा, गुल यानी क्या? सीधी गुल यानी फूल, गुल यानी फूल, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तालियां बजाते भाई, सही हो गया जवाब यार। शेर मुकम्मल करे कोई। पत्ता पत्ता जी मैडम, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा, जाने है जाने ना जाने, गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने। क्या बात है भाई, भाई। हाँ भाई, महमूद भाई कीजिएगा सवाल। खुदा की अजमतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा जाने। क्या बात है, खुदा की अजमतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा जाने। अगला मिसरा मुकम्मल करें। हाँ, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, खुद मुस्तफ़ा का खुदा जाने, मोहम्मद का खुदा जाने, मोहम्मद का खुदा जाने। मान लेते हैं, मेरा ख्याल ठीक है, इतनी रह सी है कह रहे मान लिया, वरना मानते हैं नहीं। ओहो हो, तीनों के नंबर एक हो गए भाई, वाह वाह, तीनों के नंबर एक ही हो गए ना ये। अच्छा अच्छा, इनके 10 है, सॉरी सॉरी, ओके ठीक है, ओके, तीनों के नंबर एक नहीं हुए, लेकिन शेर मुकम्मल कर दें। एक ही सफ में खड़े जी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। राइट जनाब, ठीक हो गया, ओके। वसीम वसीम साहब, खालिद में तो इतना कहूंगा, जाग उठा अशकों का मुकद्दर, याद नबी में रोते रोते, याद नबी में रोते रोते, कैसे कटी है रात न पूछो। क्या कहने, वाह जी है। ये जो मैंने पढ़ा है इसे मतला कहते हैं या मक्ता? हाँ जी, इन्होंने इस कलाम का मतला पढ़ा है या मक्ता पढ़ा है जनाब जी? मक्ता, ठीक है जनाब। ऑलराइट, ओके। और वसीम साहब की तरफ से सवाल है, इन्होंने मक्ता पढ़ा है, मक्ते में जी, मक्ता जिसमें शायर गजल या नज़म का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। बात सही है, लेकिन सच्ची बात है कि सवाल ये नहीं था, इसलिए -10 होंगे भाई, क्योंकि ये सवाल नहीं था। मक्ता वो होता है कि जिसमें ये आपने जो आप बताया वही है, लेकिन इसमें शायर का नाम भी था, वो क्या था? इन्होंने पढ़ा है शायर का नाम। ऑप्शंस अब दे दें खाली वसीम भाई, एक सही और एक गलत। खालिद महमूद नक्शबंदी या खालिद अंसारी? खालिद सेकंड वाला, खालिद अंसारी जवाब हो गया, गलत हो गया जवाब, ताजियत कीजिए। असल सवाल पे जवाब सही हो गए और बाकी दोनों में बेड़ा गर्क हो गया टीम्स का। जी मोहसिन भाई। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اس صورت میں چلو جی کس نے بجا دی ہے سی ہاں جی موسم میں رول آپ کو پتا ہے हाँ जी बताए क्या सवाल है, क्या जवाब है? जी आलाई रब्बी कुमा तो का दीवान कितनी बार आया है? अच्छा, अब ये आपको कंफर्म नहीं करेंगे कि जवाब यही सवाल यही था? हाँ, बता दीजिए अल्लाह के नाम। आप जवाब दे दें फिर बता देंगे कि सवाल ये था नहीं था? इस बार था जी भाई, यही सवाल था। मैं मोहसिन भाई ये सवाल नहीं था, इसलिए नंबर कटेंगे, ताजियत करनी पड़ेगी। बहुत आपकी बात सही हो, लेकिन चूंकि जब आप बजर बजा रहे हैं तो बाकियों से आपका अब ये सवाल जारी है, सुन ले और बजर बजा दे, कर ले सवाल। फैसला करें कि जवाब सही है कि नहीं। मैंने ही पूछा था कि इसमें एक आयत बार बार आई है, वो कौन सी है? अच्छा, अगर ये सवाल था तो फिर शायद सही माना। जब कह रहे जी मेरा सवाल यही था कि एक आयत कितनी बार आई, उन्होंने तो मेरा जवाब सही मारेंगे। -10 नहीं होगा, +10 होगा। ठीक है ना, क्योंकि सही उन्होंने आयत बता दी थी। अब आप कहना बनता है फबिया ये आई रब्बी को मत कर। जी जी भाई, हुजूर के दर का वाह वाह, मैं अदना गदा हूं, मेरे दम में आता
ये दम आपका है, वाह, हुजूर आपके टुकड़ों अल्लाह पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। ऑप्शन दे दे जी। ये खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का कलाम है या अहमद शेराजी साहब? जी किसने बजाया भाई? ए ने जी सर, जी मैडम, अहमद शेराजी। जवाब दुरुस्त। ओके, क्या बात है जी, 30, 10 और 30 नंबर्स हो गए हैं। आए जरा खेलों की दुनिया में, साल बताना है 1975, 80, 99, 2000 जो भी। क्रिकेट की तारीख का पहला वर्ल्ड कप बी 1976 है, क्या करें? गलत है, बहुत गलत है, गलत है जवाब भाई, ताजियत कर ले भाई, गलत है जवाब, जीरो हो गया। थोड़ा सा वेट कर लेते, मैं आपको ऑप्शन दे रहा, कंफर्म हो जाता फिर, और ऑप्शन में देता 75, 95, 85 तो आपको वैसे क्लियर हो जाता। चले खैर, अब आपने बताना है मुल्क। मैं किससे बजाया? बीजी, वेस्ट इंडीज। अरे क्या वेस्ट इंडीज क्या मुल्क जिसने जीता था वर्ल्ड कप? ये सवाल नहीं था, गलत हो गया जवाब, यानी आपका जवाब सही है लेकिन सवाल नहीं था यार भाई, इसी ने मशवरा है कि जरा, लेकिन खैर मर्जी है, मतलब कि नहीं, हमें तो मजा आ रहा होता माइनस करना, एतराज कोई नहीं है। खैर भाई, वेस्ट इंडीज जीता था, सवाल ये था कि मुल्क आपने बताना है इंग्लैंड या इंडिया, खेला कहाँ गया पहला वर्ल्ड कप? बी अगेन जी, इंग्लैंड। इंग्लैंड, शुक्र है सही हो गया, ठीक है जवाब, ओके। वेस्ट इंडीज जीता था आपने बताया 1979, जो दूसरा वर्ल्ड कप था। सी, वो भी वेस्ट इंडीज ही जीता था, और आपको आता था ना, और आपको इसमें गुस्सा भी आ रहा है ना कि आपको आता था, फिर ना गुस्से से देखा कि यार ये तो मेरा था जवाब यार, और सही है जवाब, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी मुझे लगा कि ये गुस्से में कुछ करना बैठे, इतना गुस्से से देखा कि ये क्या यार, ये क्या हो रहा है। दूसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज ने जीता। दूसरे वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने किसको हराया था फाइनल में, पाकिस्तान या इंग्लैंड? जी इंग्लैंड। इन पे आ रहा है गुस्सा? हाँ, सही है जवाब, इंग्लैंड ने जीता, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराया था 1979 के वर्ल्ड कप में 92 रन से या 192 रन से, ये तुक्के की बात है। 92, सही है जवाब, ओके है, सही। भाई ब्रेक पे जाने से पहले पहलाद साहब सवाल करेंगे। सर माइक, माइक, माइक ये लीजिए, मेरा माइक। चले भी वहां से। पाकिस्तान ने 2000, पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस साल में जीता था? सी 2009 में। दुरुस्त है। ऑलराइट, ठीक हो गया। पॉइंट फिर से मैं लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, तो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, थैंक यू मुझे बोलने। ठीक है सर। तो भाई अब 40, 10 और 50 यानी कि डॉक्टर साहब आपकी टीम जीत रही है अभी तक। नहीं वसीम भाई, मेरी टीम खाली नहीं जीत रही, फिर इकरार भाई और जो पहलाज की टीम, अच्छा इनकी टीम भी जीत रही है, ऐसा ये असल में उन्होंने ये नहीं किया, असल में जब ये हारेगी ना टीम तो ये बता सकेंगे कि जिम्मेदारी इक्वली इनकी भी है, इन्होंने अपने सर से जो है ना एक बस कहानी आसान की। चले जनाब, 40 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, WB भाई हमारी शान है जारी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सी टीम जीतती है इम्तियाज की बाइक, ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं आपको WB मेहमान शान इल्म में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में, जिसमें सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। 40, 10 और 50 नंबर्स हैं, तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो इम्तियाज की बाइक जीत पाती है। इससे पहले ये पैगाम, बिजली की चोरी भी बिल्कुल वैसी चोरी है जैसे कोई भी और चीज चोरी की जाती है, उतनी बुरी है जैसे किसी और चीज की चोरी बुरी है। क्या चोरी की बिजली से वजू जायज है? रमजान के महीने में आप नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उम्र में जा रहे हैं, तो ये जरूर सोचिए कि चाहे वो नाइट मैच खेले जा रहे हो या वजू करके इबादत हो रही हो या उम्र पे जा रहे हो, उससे पहले अपने चोरी के बिजली के बिल ये सब जरा देख लीजिए। चूंकि हम जब गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे थे बहुत हवालों से, तो अपने उस पर भी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता। बारह जनाब, एक दफा तालियां बजाते हैं, जरा मुकाबले का हम करते हैं बाकायदा आगाज। अच्छा भाई, तो बाकायदा आगाज तो हो चुका है, और कितना आगाज करना है, मतलब हो गया है भाई। अच्छा, एक आवाज सुने भाई, आवाज सुने। हाँ, بسم الله الرحمن الرحيم
فتحنا لك فتحا مبينا. ٹھیک ہے اوکے. سورہ بقرہ کی آیات ہیں جی. سورہ فتح کی آیات. کیا سورہ؟ سورہ فتح. بالکل صحیح جواب, زبردست, کیا بات ہے. ہم 26ویں پارے میں ہیں جی. 26ویں پارے. کیا بات ہے بھائی, بالکل صحیح. واہ کیا بات ہے. 69 آیات ہیں یا 29؟ 29. کیا بات ہے, زبردست, بالکل صحیح, برابر ہو گیا نمبر بھائی. اے اور سی کے. ہاں اوکے, دکھا سکتے ہیں ہم کہ جنہوں نے تلاوت کی ہے کیا دکھا ہمارے پاس کی ویڈیو جی, دکھائیے ذرا تاکہ پھر ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا. کیا بات ہے, یہ ابھی یہ جو تلاوت کر رہے ہیں ان کا نام ہے یونس شاہ مرادی, ان کا تعلق ہے ایران سے. ابھی دو دن قبل سعودی عرب میں حسن قرات کا مقابلہ ہوا, دنیا بھر سے قاری حضرات آئے تھے. سعودی عرب میں مقابلہ ہوا, ایران کے قاری آئے, یہ بھی اچھا خوشی. اور پھر انہوں نے پہلا انعام انہوں نے حاصل کیا, انعام کے طور پر 30 لاکھ سعودی ریال دیے گئے ان کو. تو ہر کئی حوالوں سے بہت اچھی خبر ہے, زبردست. کیا بات, اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو دکھائیں اور یہ ذرا اس پہلو کو اس کو دیکھیں, زبردست. اور اس دوران جو ہے وہ کیو کارڈ سے بھی ہاتھ کٹ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا کوئی ٹیشو دیجیے گا. اچھا اگلی آواز سنے ذرا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلا بھی کمال. سبحان اللہ, ٹھیک ہو گیا. آواز کس کی ہے؟ سی جی. علی ظفر. جناب علی ظفر صاحب کی آواز ہے یہ, کیا خیال ہے؟ ارے علی بھائی بالکل ٹھیک ہے جواب, بالکل. دکھائیں ذرا, دکھائیں یار, کیا بات ہے. واہ واہ کیا بات ہے جناب, آپ نے بالکل صحیح بتایا, علی ظفر صاحب کی آواز ہے. بلغ العلا جی کس نے لکھی ہے؟ شیخ سعیدی نے. شیخ سعیدی نے لکھی ہے, لیکن یہ سوال نہیں تھا, اس لیے نمبر کٹیں گے بھائی, تعزیت کیجیے. سوال کر رہا ہوں میں, آپ نے سے بلغ العلا پہ بزر بجا دیا. بلغ العلا بے کمال ہی, کشفت دجا بے جمال ہی. مکمل کر سکتا ہے کوئی؟ جی صلو علیہ والہ, صلو علیہ والہ. ایک لائن اور بھی ہے, دو نمبر تھا, پڑھ دیا اس نے پورا مکمل. ہاں سوچنے ابھی بھی. بلغ العلا بے کمال ہی, کشفت دجا بے جمال ہی, صلو علیہ والہ, اس سے پہلے کیا ہے؟ بلغ العلا. صحیح نہیں مانا سکتا نا, یہ تو بنیادی غلطی ہے نا, غلط ہو گیا جواب, یہ تعزیت کرنی پڑے گی. حسنت جمیع و خصال ہی, صلو علیہ و آلہ. شیخ سعدی شیرازی کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. یہ بات آپ کی بہرحال صحیح تھی. ذرا ایک اور آواز سنیں بھائی, کہ یہ کون ہے بتائیں. سنائیں آواز, سنائیں. کہاں مد ہے ذات گرامی, نہ سعدی نہ رومی, نہ قدسی نہ جامی. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرامی کون ہے؟ یہ دلچسپ ہے. آپ بھائی سوال ہے, کس کی آواز ہے یہ؟ اچھا دوبارہ سنائی جا سکتی ہے؟ چلو سنا دے, ایک بار اور سنا دے. چلو ہاں کہاں مد ہے ذات گرامی, نہ سعدی نہ رومی, نہ قدسی نہ جامی. ٹھیک ہے ہاں جی, ہنٹ وہ موسم میں کہہ رہے تھے ابرار الگ, میں کہا نہیں ابرار الگ نہیں ہے. سیاسی صدیق جی, وہ جو صدیق حاجی جو صدیق ہیں ان کا. کیا بول رہی ہیں؟ صدیق اسماعیل صاحب. جی جی صدیق اسماعیل صاحب. مائنس 10 کریں ذرا, پہلے تو یہ کر لیں, غلط ہو گیا جواب. اب یہ ایک تسلی ہو گئی ایک طرف سے, ایک طرف سے ہم ایزی ہو گئے. اب ذرا ویڈیو دیکھیں کہ آپ کو بتا دیں کون ہے, دکھائیں بھائی. میں کہاں حافظ نہیں مرا, حافظ نہیں صاحب. کیا بات, ذات گرامی, نہ سعدی نہ رومی, نہ قدسی نہ جامی. واہ واہ واہ, تو یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں. کیا بھلی شخصیت ہے, زبردست شخصیت کے والے. اور
क्या हुआ कराची इलेक्शन मेयर वेयर मैं तो शादी रमजान बिजी हो गया कुछ भी नहीं मेयर बन गए आप इसमें नहीं बने अभी नहीं बने अभी अच्छा और आपको आपको लगता है इस मुल्क के अंदर ऐसा हो सकता है हाँ मतलब सही तो खैर तो हाफिज नईम साहब जो है जमात इस्लामी का राज जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर का नाम जी सिराजुल हक सिराजुल हक सही है जवाब ओके ये शायद अजराए मजाक लिखा हुआ है हाफिज नईम साहब इस वक्त मुबैना तौर पर कराची के मेयर अच्छा मुबैना तौर पर ये क्या हुआ मुबैना तौर पर कोई मेयर कैसे हो सकता है भाई अच्छा भाई ठीक है ये जो कलाम में पढ़ रहे थे ये माहिरुल कादरी साहब का लिखा हुआ वाह 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 या ताहिरुल कादरी साहब का लिखा हुआ सी माहिरुल कादरी मीम या तोए मीम 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 सही है जवाब ओके या अजीम नाथपुर शायर से क्या बात है वाह 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 हां कहां मैं कहां मधे जाते गिरामी ना सादी ना रूमी ना कुदसी ना जामी पसीने पसीने हुआ जा रहा हूं कहां ये जबां और कहां नामे नामी सलाम उस शहंशाह हर दो सरा पर दुरूद उस इमामे सफे अंबिया पर पयामी तो बेशक सभी मोहतरम है मगर अल्लाह अल्लाह खुसूसी पयामी है क्या कहना पयामी तो बेशक सभी मोहतरम है मगर अल्लाह अल्लाह खुसूसी पयामी कोई ऐसा हादी दिखा दे तो जाने कोई ऐसा मोहसिन बता दे तो जाने कभी दोस्तों पर नजर एहतसाबी कभी दुश्मनों से भी शीरी कलामी क्या कहना है कभी दोस्तों पर नजर एहतसाबी कभी दुश्मनों से भी शीरी कलामी क्या कहना है भाई वाह और मुझे हमारे खानदान को ये एजाज हासिल है मेरे ताया बाकी अहमदपुरी बड़े मारूफ शायर वो माहिरुल कादरी साहब के शागिर्द थे वाह 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 बड़ा हमारे लिए एजाज की बात क्या बात है जबरदस्त तो भाई अब सूरत हाल ये जो तीन चार ऑडियोज है मैं अगर आसान उनको तो बड़ा गर्क कर दिया इन्होंने आपका पार्टिसिपेंट है जब सेगमेंट शुरू हुआ तब बराबर बराबर थे अब वो 90 10 और 30 अब इसको बैलेंस करने के लिए एक दो वीडियोस दिखाते हैं शायद कोई काम बन जाए वीडियो दिखाएं बट बताइएगा कितने बजे हमने आउट होना है सेगमेंट से जी पहली वीडियो दिखाइएगा ओके से है मुझे इश्क है तो हसन से है मुझे इश्क है तो हुसैन से मुझे इश्क शाह ज़मन ठीक हो गया ये टाइटल देख के आपको क्या लग रहा है चलो आप पता नहीं जी सी इन्होंने बी अच्छा बी शाने महराज की महफिल है जी ठीक है यही सवाल है कि महफिल का इनेकाद किस मुनासबत से शबे मेराज शाने मेराज सही रजब की किस तारीख को बी जी 27 रजब 27 रजब ठीक है जवाब ओके कौन से पारे में हाँ भाई 5 4 चाहे तो अंदा अंदाजे ही बता दें अब कोई भी नंबर बताना वरना भी माइनस चल जाएंगे 3 16 नहीं 15वें पारे में आया है मेरा गलत हो गया आपका जवाब ये जो कलाम पढ़ा इसके शायर कौन है यूसुफ कमर या कमर जलालवी कमर जलालवी गलत हो गया जवाब ताज़ियत कीजिए यानी आप देखिए देखते ही देखते ए और बी बराबर हो गए कहां से आप चली गई यानी ये तो डॉक्टर साहब की भी टीम नहीं है फिर भी कमाल है तो ये 20 और 90 रातों रात आपने अपनी मकबूलियत खो दी ये देखें आप और वो देखें वो रातों रात आगे निकल गई हालांकि कल तक लग रहा था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कोई भी जीत जाएगा पीडीएम आज आगे निकल गई तो चले भाई तो पहले राउंड का हो गया इख्तिताम 20 और 90 है अरे आखिरी जवाब तो बता दे पहले राउंड का ये पढ़ने वाले का नाम तो बता दे ये कौन पढ़ रहे थे अभी मैं तो बंजन तो बुलाऊं मैं कंफ्यूज हूं मैं हां तो एक नाम बता दें सही होगा तो प्रश्न में जाएंगे वरना आपका वैसे ही बहुत सारे नंबर थे वो मिलते जुलते नाम है ना मिलते जुलते नाम है हां वो हमने ही कंफ्यूजन पैदा किया है हां भाई बताएं भाई कौन है हां फसीउद्दीन रहमानी है फसीउद्दीन रहमान फसीउद्दीन सोहरवर्दी है किसने कहा ये फसीउद्दीन सोहरवर्दी और सबीउद्दीन रहमानी है लेकिन सही है सही मान लेते हैं यार ठीक है जवाब सही है चले हो गए भाई तस्वीरें देखें फसी मैं बहुत नाराज होंगे आज जब सुबह आएंगे ना
क्विज में, अल्लाह खैर करे। किसके नंबर बढ़ा इसमें बताओ ना, किसने जवाब दिया था? फसीउद्दीन ने जवाब इन्होंने दिया था, बजर इन्होंने ए ने, तो इनके नंबर बढ़ाया ना, दस क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई, सही जवाब दिया ना उन्होंने। हाँ एक तो पहले ही इधर कम हो गया, आप बढ़ा भी नहीं रहे आप लोग। चले भाई तो ये जवाब हो गया आपका सही, वो मैंने ही ऑप्शन एक जरा कन्फ्यूजन दिया ना। चले तो 30, 20 और 90 होगा। चले भाई तस्वीर का है अब ये सिलसिला, ठीक है। पहले तीन तस्वीर आपको दिखाएंगे, ठीक है जी, पार्टिसिपेंट ए को दिखाएंगे और बताइएगा कि क्या अच्छा नंबर जी, ठीक है ओके, ठीक है ठीक है ओके, वो शायद पहले ही एडजस्ट कर रहे होंगे, ठीक। पहली तीन तस्वीर पार्टिसिपेंट ए को दिखाइएगा जी, बताइए कौन है। मैं आपको हिंट देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। पहला साहब, आपने वो मंजर देखा कि जब जो है वो मैसी कहा गया, मैसी को, हाँ मुझे उसी वक्त इन्होंने मैसेज किया, इत्तेजाज हसन का क्या था, क्योंकि आप तो फुटबॉल से हो। मैंने उसी वक्त सेगमेंट के बाद बाबा को कॉल की थी, वो मैं देख रहा था, मतलब मुझे शर्म आ रही थी, कंफ्यूजन हो गई थी, कंफ्यूजन कोई नहीं यार, हर कोई फुटबॉल फैन, मैं भी नहीं हुआ। हाँ भाई ये कौन है? शाह साहब, शाह साहब पीपल्स पार्टी है, शाह साहब फला हुसैन शाह। अब तो एक ही जुमला बताना है आपको, 5, 4, 3। ये भी एक हिंट है, अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी है, हिंट है। नहीं जी, गुलाम हुसैन शाह नहीं, नासिर हुसैन शाह, गलत हो गया जवाब। अगली तस्वीर दिखाइए, फैसल मस्जिद जी, बहुत मेहरबानी, बिल्कुल सही जवाब, ओके। आखिरी तस्वीर दिखाइए, हाँ जी, अभी हमारे मेहमान थे दो, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, फारूकी साहब, 5, 4, 3, 2, 1। मौलाना बशीर फारूकी हैं ये, ओके। आपने सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दिया, आपने तो हैरान कर दिया सबको भाई, तो बिल्कुल सी के साथ साथ चलते हैं एकदम। बी को दिखाएं, बी को दिखाएं, तीन तस्वीरें दिखाएं दी, ये पीटीआई के रहनुमा हैं सिंध के, आदिल आते हैं इनके नाम में, खाइए इफ्तार में, हलीम शरीम प्रोग्राम है आज, क्या फायदा है, कैसा है, मेरा ख्याल है फायदा, अच्छा हाँ जी बता दिया, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, 5, 4, 3, 2, 1। ये हलीम आदिल शेख हैं, हलीम का जिक्र भी हो गया, आदिल का जिक्र भी हो गया, तो शेख ही कहते थे यार, और हलीम आ भी रही है वैसे। अगली तस्वीर दिखाएं, हाँ भाई, भाई कौन सी मस्जिद है ये? मस्जिद नबवी, क्या बात है। तो मैं अभी जब मैं लास्ट गया तो मुझे ये मौका मिला, मैं देख रहा था आपकी वीडियो है ना, हाँ तो जरा बताइए ना, तो मतलब मैं बता रहा हूँ बस ऐसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह वो रहने का मौका मिला, जहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही मंजर, जहाँ तो आप मतलब बस सामने, तो इंसान जब सोकर उठे और आप जब पहला मंजर ये देखें खिड़की हटा के, तो मतलब फिर क्या, तो वहाँ बैठी बड़ा रश आया है, माशाल्लाह बड़ा, बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मंजर था। और आखिरी तस्वीर दिखाइए जी भाई, छीपा साहब, रमजान छीपा, रमजान छीपा सही है जवाब, ओके जी। तीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, दिखाइएगा जी, खुल के इजहार करें अपनी राय का, कोई समझना नहीं, इजहारुल हसन मुत्तहिदा के, ख्वाजा इजहारुल हसन मुत्तहिदा के, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाइएगा, हाँ जी, ये इस ब्लू मॉस्क है ये, इसको अहमद कुछ भी मॉस्क कहते हैं, सुल्तान अहमद, नहीं सुल्तान अहमद मॉस्क, इसीलिए मैंने कहा था ट्रिकी है, बहुत है, कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ये आया सोफिया, ये आया सोफिया, ये बिल्कुल उसके सामने ब्लू मॉस्क है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज करते हैं इसको, राइट। तो ये जवाब सही नहीं हुआ। और आखिरी तस्वीर दिखाएं, ये कौन है? जफर अब्बास, मैंने कहा ये तो मतलब क्या बात है, क्या बात, सही जवाब, ओके, सहरी की इनके, हां माशाल्लाह, क्या बात, राइट। तो जनाब अब सूरत हाल 30, 40 और 110, तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि टीम सी बहुत आगे हैं, लेकिन आखिरी राउंड में जिस तरह जब इस राउंड का हमने आगाज किया था 15 मिनट पहले, तब ए और सी बराबर थे, अब ए 30 पर है और सी 110 पर है, तो ये बाजी पलट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने रैपिड के बहुत सारे सवालात करने हैं इम्तियाज की बाइक के लिए। पहले सवालात आपसे करें 60 सेकंड तक, सही जवाब पे प्लस जाने, गलत जवाब पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जब 60 सेकंड हो जाए तो बजर बजाइएगा, ठीक है जी, और थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ताकि मुझे रिपीट ना करवाना पड़े। आपके 60 सेकंड्स का वक्त मैडम शुरू होता है अब। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में सबसे पहला मुल्क स्विट्जरलैंड या पाकिस्तान? स्विट्जरलैंड, ठीक। मून वॉक माइकल शुमाकर या माइकल जैक्सन? माइकल जैक्सन, ठीक। बुजुर्गों का आलमी दिन यकुम अक्टूबर या 14 अगस्त? यकुम अक्टूबर, ठीक। वारसक डैम किस दरिया पर वाक़े, दरिया काबुल या कराची? काबुल, ठीक। रोजे मैशर 1000 साल का या 50,000 साल का? 1000 साल, गलत। किस बर आजम में सबसे ज्यादा ममालिक आबाद, एंटार्क्टिका या अफ्रीका? अफ्रीका, ठीक। कुरान करीम का फारसी में सबसे पहले तर्जुमा अहमद अदीम कासमी या शाह वलीउल्लाह? शाह वलीउल्लाह, ठीक। सबसे ज्यादा आबादी वाला बर आजम एशिया या एंटार्क्टिका? ठीक। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी कराची या लाहौर? जी पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी कराची या लाहौर? कराची, गलत। सरगोधा कहाँ है, सिंध या पंजाब?
पंजाब ठीक ये बताइए कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला गया है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान गलत ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम अदाकार हुमायूं सईद या रिस अहमद ठीक कजाफी स्टेडियम लाहौर या हैदराबाद लाहौर ठीक कौन सा मुल्क क्रोमाइट की पैदावार में आगे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान साउथ अफ्रीका ठीक न्यूजीलैंड के बाशिंदों को किस नाम से पुकारा जाता है टाइगर्स या कीवीज सवाल रिपीट टाइगर्स या कीवीज जल्दी बता दें कौन से सवाल टाइगर दोहरा दे वो हमें भी समझ में अच्छा ओके चलो न्यूजीलैंड के बाशिंदों को किस नाम से पुकारा जाता है टाइगर्स या कीवीज शुक्रिया बहुत बहुत मैंने कहा रेस्ट करके आ जाऊँ चले न्यूजीलैंड समझ में नहीं आया ठीक है ओके चलो ये रियाय हो गए सही है लेकिन एक दो सवाल के बड़े आसान वो क्या था पता नहीं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी कराची में लाहौर में लाहौर में होगी ना कराची में क्या होगी तो लेकिन खैर चले रोजे मैशर 50,000 चले लेकिन आपने फिर भी बतौर मजमू अच्छा खेला अच्छा खेला है तालियां बजाएं अच्छा खेला है लेट सी बी पार्टिसिपेंट बी आपके हैं 60 सेकंड्स और आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है अब जजीरों का ग्रुप इथोपिया मालदीव एक सेकंड सॉरी माइक बंद है क्या बोले इथोपिया ठीक है दोबारा कर लें क्योंकि वो माइक आवाज ही नहीं आ रही थी तो ये सवाल भी कैंसिल हो जाएगा इसका प्लस 10 किया है तो वापस कर दें दोबारा शुरू कर दें माइक देख लेते हैं एक दफा इथोपिया चले इथोपिया को छोड़े आगे बढ़ते हैं आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब पाक फौज के वाहिद फील्ड मार्शल राहिल शरीफ अयूब खान राहिल शरीफ गलत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में ज्यादा आगे डेनमार्क या पाकिस्तान डेनमार्क ठीक कुरान करीम का पहला उर्दू तर्जुमा शाह अब्दुल कदीर या मिर्जा गालिब शाह अब्दुल कदीर ठीक पत्तों में सब्ज रंग का मादा क्लोरोफिल या ऑक्सीजन क्लोरोफिल ठीक कजाफी स्टेडियम किस मुल्क के सदर के नाम पर इंडिया लीबिया लीबिया जी लीबिया ठीक रूस ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान 2022 या 1999 2022 ठीक मुल्क टोक्यो का पुराना नाम एडो या दुबई एडो ठीक OIC समिट 2021 इस्लामाबाद या सूडान इस्लामाबाद ठीक इंग्लैंड के कौमी शायर इकबाल या शेक्सपियर शेक्सपियर ठीक रोजे हशर में हिसाब किस मैदान में होगा मैदान हशर या मैदान हशर ठीक शेर के आखिरी में तकरार लफ्जी को रदीफ कहते हैं या तखल्लुस तखल्लुस गलत अल्फ्रेड नोबल ने किस अवार्ड की इब्तिदा की नोबेल या ऑस्कर ऑस्कर गलत कौन सा मुल्क चावल की पैदावार में सरफहरिस्त चीन या कतर चीन ठीक पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी वकार यूनुस नजम सेठी ठीक KGB किस मुल्क की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान या रूस रूस ठीक है एक सवाल और करूंगा अमरीकी के तारीख में मुंतखब करदा सबसे तवील उम्र सदर जॉर्ज वॉशिंगटन या जो बाइडन जो बाइडन ठीक है जवाब ओके चूंकि वो उनको भी थोड़ी सी रियायत दी थी और एक जगह मैंने फंबल किया तो मैंने एक सवाल और कर लिया हाँ जी कितने सवाल के आपने सही जवाब देने बाजी अंदाजन सात आठ डॉक्टर साहब जीते ही आपकी टीम या नहीं जीत गई लग रहा है जीत जाइए बेला साहब जीत गई हो जाएगा काम बेला तो हार गई उमर कह रहा हार गई हार गई वो समझ रहा है फाइनल स्कोर है ओ भाई मुकाबला बाकी है अभी सबर ये समझते वो कह रहे हैं मेरी टीम हार गई यार मेरी टीम का नंबर कम है हार गई ना टीम सी है चलो भाई आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है मैडम अब हज के मौके पर सरकारे दो आलम ने तकरीबन कितने ऊंटों की कुर्बानी की 60 या 600 60 ठीक एशिया में सबसे ज्यादा आतिशफिशां पाकिस्तान या इंडोनेशिया इंडोनेशिया ठीक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर सखर या कराची कराची ठीक साइज के एतबार से सबसे बड़ी करेंसी नोट फिलिपाइन या पाकिस्तान फिलिपाइन ठीक हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान या अफगानिस्तान अफगानिस्तान ठीक स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम ठीक मलका तरन्नुम नूरजहां कराची या कसूर कसूर ठीक पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर जफरुल्ला खान ठीक वाहगा सरहद पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया ठीक अमरीकी सदर मुंतखब होते वक्त जो बाइडन 78 या 58 ईयर्स के 58 में सदर 78 ईयर्स के हैं तो पहला जवाब तो गलत हो गया ना आपका पाकिस्तान गलत है पाकिस्तान एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है 14 अगस्त या 7 सितंबर ठीक है पहली पेट्रोल से चलने वाली फ्लाइंग कार सिल्वेकिया ने बनाई या बांग्लादेश ने सिल्वेरिया जो भी फर्स्ट ऑप्शन सिल्वेकिया या बांग्लादेश सिल्वेकिया ठीक है मुस्लिम बाग का पुराना नाम हिंदू बाग या बादामी बाग हिंदू बाग या वसीम बादामी बाग मैं जीत चुकी हूँ इसी ने मैं इतना इजी हूँ ठीक है जबरदस्त भाई बहुत अच्छा खेला आपने मुकाबला तीनों ने अच्छा किया लेकिन बाजी तफसील के हैं 150 नंबर सही नाम लिया ना आपका हाँ मुकाबला हार गए क्या नाम और भाई का क्या नाम था अरे आपके माइक ने बड़े दुख दिए मुझे जाहिर भाई के 170 नंबर और आपका नाम आयशा आयशा साहिबा 220 नंबर के साथ इम्तियाज की बाइक जीतने
मैं कामयाब हो गई। अशरफीदा मुझे आपसे काम में भी याद दिलाएगा, एक काम बताना है मैंने आपको, फौरन अभी याद आ गया अचानक। तो जनाब आयशा साहिबा ने आज का मुकाबला जीता है। रनर अप के लिए डब्ल्यू बी बाई हमानी की जानिब से 10,000 का वाउचर है और डब्ल्यू बी बाई हमानी के तहाइफ हैं तीनों के लिए। इम्तियाज की बाइक आपकी भी आयशा साहिबा, बहुत सारी तालियां। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।